हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज लेकर आई हूँ मैं वीडियो उन महिलाओं के लिए जो अपने घर और ऑफिस को मैनेज कर करके या फिर घर या जिस भी तरह का वो काम कर रही हैं उसको मैनेज करते हुए कई बार ये ख्याल आता है कि यार जॉब करें या फिर परिवार को देख लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही भगवान ने इतना पेशेंस और इतनी ताकत दे दी है कि वो दोनों काम अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो आपके जो टिप्स हैं वो ना सिर्फ आपके घरेलू टिप्स हैं, लाइक कैसे आप ऑफिस और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं बताऊंगी जिससे आप लोन वगैरह आसानी से ले सकें। मतलब महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिससे सरकार जो है आपको लाभान्वित कर रही है, तो तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और तमाम वो महिलाएँ जो इस वीडियो को देख रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वो क्या काम कर रही हैं। और अगर वो भी हमारे दर्शकों को टिप्स दे सकती हैं तो कमेंट सेक्शन में वो टिप, एक टिप जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा जो मेल मेंबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अगर टिप्स शेयर करना चाहें या फिर अपनी घर की महिला जो काम और ऑफिस और घर परिवार दोनों को बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं उनका नाम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उनको खुशी होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो चलिए जानते हैं महिलाएं कैसे शुरू करें अपना कारोबार, कैसे करें नए कारोबार की प्लानिंग, साथ ही जानेंगे कारोबारी महिलाओं के लिए कैसी हो फाइनेंशियल प्लानिंग इन खास टिप्स से। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ इस प्रकार करें, बिजनेस के साथ परिवार का वित्तीय खर्च भी देखें, खर्च करने के साथ पैसे बचाने पर भी फोकस करें, मनी डायरी यानी कि खर्चों को लिखने के लिए एक नोट रखें, इससे खर्च पर नजर रख पाएंगी, क्रेडिट कार्ड का गैर जरूरी इस्तेमाल करने से बचें, कारोबार के साथ निजी खर्चे में बैलेंस बनाएं। कारोबारी महिला कैसे ले सकती है बिजनेस लोन, बिजनेस लोन लेने के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना जरूरी है, समय पर बिल भरें, वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाएं, कारोबार के लिए अनसिक्योर्ड लोन लेने से बचें, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगाम लगाएं, क्रेडिट स्कोर बेहतर करने पर फोकस करें। कारोबारी महिलाओं को कहां से मिलेगा बिजनेस लोन, बैंक और NBFC से बिजनेस लोन ले सकती हैं। महिलाओं के लिए कई स्पेशल बिजनेस लोन स्कीम बनी है जहां अप्लाई कर सकती हैं। बैंकों की तरफ से दी जा रही स्पेशल लोन स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की वैभव लक्ष्मी स्कीम, विजया बैंक की वी शक्ति भी महिलाओं के लिए है। इन सभी स्कीम्स में महिलाओं को मिलते हैं कई बड़े फायदे। कारोबारी महिलाएं अपना बिजनेस और परिवार के साथ खुद का ख्याल कैसे रखें, कारोबार के साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। खुद का ख्याल रखने के लिए इंश्योरेंस लेना अहम, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी लें। कारोबार पर ध्यान दें पर खुद का ख्याल भी रखें, इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। कारोबार चाहे कोई भी हो इसमें कुछ तय नहीं है, अचानक खड़ी हुई जरूरत के लिए फंड होना जरूरी है, ऐसे में इमरजेंसी फंड रखना फायदेमंद होता है। कारोबार की छोटी बड़ी जरूरत के लिए नहीं है ये फंड, ऐसे में फंड को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने से बचें। रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से करके रखें, रिटायरमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा होता है। रिटायरमेंट की सेविंग किसी भी हाल में कारोबार में ना लगाएं, कारोबार के बाद रिटायरमेंट और अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी निवेश जारी रखें। कारोबार और निजी खर्च दोनों को ही अलग अलग रखें, पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट अलग अलग रखना चाहिए। बिजनेस के लिए फंडिंग के वक्त ये प्लानिंग आती है काम, कारोबार निजी जीवन अलग रखना प्रोफेशनल है, इसलिए हमेशा पर्सनल लाइफ और खर्चे प्रोफेशनल लाइफ और खर्चे से एकदम अलग ही रखना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से आप घर और ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं। बाकी हाँ, सर्कमस्टांसेस हर किसी के अलग होते हैं, हर किसी का घर का सिस्टम अलग हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि जो हमारा वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो कुछ महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो किस तरह से अपनी चीज़ें मैनेज करती हैं वो सब मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो उस पर आधारित है। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस अलग हों तो आप उन सर्कमस्टांसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप भी अपना जो एक कह सकते हैं ना कि एक जो ऐसा प्लानिंग है या फिर जिस तरह से आप अपने घर और ऑफिस को मैनेज करती हैं वो जो टिप है वो एक चमत्कारी टिप जो है वो भी आप लिख सकती हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखिएगा क्योंकि आपको ज्यादा ख्याल की जरूरत है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।